बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीम इकबाल है, मेरा ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। आज से तीस साल पहले सात कैन का दौर था, गुलजी का दौर था, तो हम टीवी पे सात कैन को देखते थे कैलीग्राफी करते हुए। स्कूल में हमारे यहाँ तख्तियों का रिवाज था, तो हम टाट पे बैठ के तख्ती लिखते थे। घर में भी हमारे पढ़ाई का रुझान बहुत ज़्यादा था, तो मियाँ चन्नू में रहकर मैंने मैट्रिक में इस्लामिक आर्ट शुरू किया, हार्ड बोर्ड के ऊपर कैलीग्राफी शुरू की, और वो सात कैन से मिलती जुलती थी, तशबीहाती मसवराने से कहते हैं। उसके बाद मैंने अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में छः मुख्तलफ़ चीज़ों पर कुरान पाक लिखा जाता था, तो मैंने कोशिश की उन छः चीज़ों पे कुरान पाक लिखने की। लेदर पे मैंने कोलाज किया, और लाइमस्टोन, हिरण की खाल, खजूर की जड़ से रेशा निकाल के उसका कागज़ बनाते थे, रेशम के कपड़े के ऊपर और तख्ती लकड़ी की तख्तियों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो अहद नबवी पे जो काम हुआ वो दुनिया के तारीख में कोलाज हिस्टोरिकल इसमें मिलता है मेरे इस्लामिक आर्ट के अंदर, और इसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। ये ऐसा रिसर्च वाला काम है जैसे हम सदियों पीछे चले जाते हैं। जब नज़ूले कुरान पाक का वक़्त था तो मैंने उसी इदवार को लिया और कुरान पाक को उसी ख़त खैरी में लिखा, उसी मटेरियल्स में लिखा, लेदर पे कोलाज किया, और मेरी जो पेंटिंग्स हैं ये दुनिया भर में मकबूल बहुत हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इश्क है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस से के साथ, और जो सहाबा लिखते थे सीलो प्रॉफिट और ख़त हैरी, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ अपने फनपारों में एक पूरी फॉर्म।